हेलो फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका एग्ज़ाम डेट शिफ्ट सिटी जो भी था आपको दोस्तों, वो आप चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसका भी अगर दूर हो गया हो तो अगर परेशान हो कि कैसे हम जाएंगे उतना दूर, तो दोस्तों रेलवे बोर्ड ने बहुत ही बड़ी खुशखबरी दी है और एक लिंक यहाँ पर देख रहे हैं प्रोवाइड कराया है। जो भी आपका जोन है वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, और वो आप वहाँ पर एक लिंक दिया गया है हेल्प डेस्क के नाम से, वहाँ पर जाके आप अपने एग्ज़ाम के जो सिटी को चेंज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका प्रॉब्लम है आप वहाँ लिखिए, आपका सिटी जो है चेंज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी है ऐसे लोगों के लिए जिनका कि एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर हो गया था। चलिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, और हमारे वीडियो को लास्ट तक देखिए कैसे हम चेंज करते हैं अपने सिटी को। आप भी आसानी से कीजिए दोस्तों, और इसको दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम सिटी को चेंज कर सके अगर उसे प्रॉब्लम हो रहा हो तो। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने रांची का खोला हुआ RRB, आपको जो भी आप खोल लीजिए उसे, और यहाँ पर मिलेगा आपको क्लिक है फॉर हेल्प डेस्क अगेन, जो भी आपका नंबर है वो उस पर चलिए हम क्लिक करते हैं। चलिए क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर हमको दोबारा क्लिक करना है, और देखिए उसके बाद आपको जो कैंडिडेट लॉगिन है वो मांगा जाएगा। चलिए जो भी आपका उसे आप भर लीजिए। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का पेज इंटरफेस आएगा, उसमें आपको जो है यहाँ पर देखिए कैंडिडेट आ गया, और यहाँ पर हेल्प डेस्क नाम से एक ऑप्शन आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है। इस पर हम क्लिक करते हैं, और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर आ जाएगा इंपोर्टेंट नोटिस। यहाँ पर देखिए क्लिक है टू चेक द फ्रीक्वेंसी आज क्वेश्चन, यानी यहाँ पर आप बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हैं रेलवे की तरफ से क्या क्या आप पूछ सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है क्लिक है टू रेज न्यू क्वेरी। चलिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, आपको क्लिक करना है जो भी आपका प्रॉब्लम है उसे अपने बताने के लिए, ताकि रेलवे आपका जो सिटी है वो चेंज कर दे। देखिए आपको क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा, देखिए यहाँ दिखा रहा है ग्रीवांस फॉर्म, यानी आपको यहाँ पर डालना है अपना प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है आपका, और आप आसानी से अपना सिटी चेंज कर सकते हैं। चलिए दिखा रहा है आपको, यहाँ दिखा रहा है आपका प्रॉब्लम कैटेगरी, क्लिक कीजिए आप। देखिए यहाँ दिखा रहा है कि एग्जाम सिटी, इंटीमेशन एडवाइस, एग्जामिनेशन डिटेल्स रिलेटेड जो भी है, चलिए हम इसे क्लिक करते हैं एग्जामिनेशन डिटेल्स रिलेटेड, और उसके बाद प्रॉब्लम टाइप क्या है आपका, जो भी टाइप है दिस सिटी इज़ फार, मेरा सिटी जो है बहुत दूर है, चलिए इसको हम क्लिक करते हैं, और जो भी आपका प्रॉब्लम है स्टेटमेंट वो लिख दीजिए, मेरा क्या हुआ है, चलिए इसे हम यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। चलिए आपको जो भी यहाँ पर अपना प्रॉब्लम लिख दीजिएगा, जैसे मैं लिखा है कि दिस एग्जाम सिटी इज़ वेरी फार फ्रॉम माई सिटी, प्लीज़ चेंज माई सिटी नियर, नज़दीक कर दीजिए, आपको जो भी है आप लिख दीजिए अपने हिसाब से इस तरह से, और यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, आप उसे चेक कर सकते हैं कि आप किस तरह से आपका जो क्वेरी है आपका अभी तक कहाँ पहुँचा, आपका क्या प्रॉब्लम था वो दूर हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए दोस्तों आप आसानी से आप अपना सिटी को चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो ज़रूर इसको दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं ये वीडियो बना के लाया हूँ दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।